मेरा एक फेवरेट एग्जांपल होता है महात्मा गांधी वाला, आपको याद है इंडिया में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर थे, उसमें से एक थे महात्मा गांधी, जिन लोगों ने बोला तुम लेफ्ट गाल पे चांटा मारोगे तो हम राइट गाल आगे करेंगे, राइट आगे। दूसरी बात भगत सिंह, भगत सिंह क्या है, भगत सिंह ने बोला तुम लेफ्ट गाल पे चांटा मार तो मैं तुम्हें बम मारूंगा। ही वॉज अ सपोर्टर ऑफ वायलेंस, महात्मा गांधी वॉज अ सपोर्टर ऑफ नॉन वायलेंस। मेरा फेवरेट एग्जाम्पल, थोड़ा कहानी में ट्विस्ट, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस बिकॉज ऑफ बोथ द फ्रीडम फाइटर्स, वायलेंस एज वेल एज नॉन वायलेंस। ओके ठीक है भाई, ये पैसेज समझ आ गया। अब इसको हम थोड़ा टेक्निकलिटीज के अंदर लेके जाते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड प्रमाइस क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है। जो भी फालतू इन्फॉर्मेशन दी गई है इन द पैसेज टू रीच आउट टू माई कंक्लूजन, कैन आई से दिस द कंक्लूजन, हाँ या ना, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस बिकॉज ऑफ वॉइस, येस और नो, ये कंक्लूजन है, हाँ या ना, यस 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 यस, बहुत बढ़िया। तो मैं पहुंचा कैसे, मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी, प्रमाइस डाला। व्हाट इज प्रमाइस, प्रमाइस इज द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द पेपर सेटर विच हेल्प्स यू टू रीच योर कंक्लूजन, नंबर वन। ठीक है, समझ गए, एवरीवन अंडरस्टूड दैट। ओके सर, सर वो सुभाष चंद्र बोस कहाँ है, सर सुभाष चंद्र बोस कहाँ है यार, सुभाष चंद्र बोस, मैंने सुभाष, आई लव सुभाष चंद्र बोस, अमेजिंग गाय, बट मैंने सुभाष चंद्र बोस की बात करी, मैंने सुभाष चंद्र बोस की बात करी, हाँ या ना, नहीं करी तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्यों लगा रहे हो भाई, उसको हम बोलते हैं स्कोप। स्कोप मतलब जितनी बात करी है उतनी ही बात। सर बाटुकेश्वर दत्त की क्यों नहीं बात करी, सर मुस्लिम पॉपुलेशन इतना उन्होंने हेल्प किया इंडिया को इंडिपेंडेंस के अंदर, है ना, बहुत बहुत अमेजिंग स्टड लोग थे, इंडिया एक था यार, क्या हिंदू मुसलमान कभी था ही नहीं, बहुत हेल्प किया, मैं उनकी बात करी, वी लव मुस्लिम्स, बट नहीं यार मैंने उनकी बात ही नहीं करी है। कूल, अंडरस्टूड स्कोप, फालतू इन्फॉर्मेशन नहीं, बट ऑप्शन देखोगे पेपर शटर तुम्हें कन्फ्यूज करेगा, नंबर वन। चलो भाई अब हम लेते हैं मेरा फनी एग्जांपल, फेवरेट एग्जांपल, लाइक लव डेट मैरिज वाला। हाँ भाई, इसके अंदर हमेशा एक लड़कियाँ सिलेक्ट करते हैं, हाँ भाई मैं फ्लर्ट मारने वाला हूँ, एनीबडी हु वांट्स टू फ्लर्ट विद मी, हु इज ओके, हाँ भाई, एनी गर्ल्स इन द हाउस, एनी गर्ल्स, लड़कियाँ, अबे गर्ल्स इन द हाउस, अरे सौरभ यहाँ बैठ, दोबारा बैठा है सर मुझे, ओके बहुत सारे नाम आ रहे हैं, मेधा, सैम, नहीं नहीं बेटा तुम, मेरी शादी नहीं हुई, शादी हुई होती तो मेरी उम्र के होते, मतलब मेरे बच्चे तुम्हारी उम्र के होते, ठीक है, जोक से बात, चलो लेट्स टेक अ बॉय, लेट्स टेक अ बॉय, हाँ भाई बताइए प्रिया, हाँ चलो लड़कियों का बाद में चांस, गुंजन रुक जा भाई रुक जा, अनुराग, कोई लड़की वाला नाम, कोई लड़का है इसका नाम लड़की जैसा हो, कोई भी नहीं, शुभ, हाँ भाई शुभ, चलो भाई शुभ तेरे से थोड़ा फ्लर्ट मारूंगा मैं, चलेगा ना यार, चलो भाई आई एम गोना मेक इट साउंड फनी बट डैम सीरियस स्टफ, वी गोना टॉक अबाउट सम जी मैट रूल्स फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल एग्जांपल, ये मेरा फेवरेट एग्जांपल है। लाइक हमारा शुभ भैया है यहाँ पे, शुभ दीदी, शुभ ही है इसका नाम, शुभ दीदी है, आई लाइक शुभी, ठीक है, आई लाइक शुभी, लाइक के बाद मैं शुभी से क्या करूँगा भाई, पहले तो लाइकिंग होती है ना, उसके बाद होगा शुभ भाभी, बहुत बढ़िया, शुभ लता, अरे भाई बस करो, लाइक के बाद क्या होगा, लव, लव के बाद हम क्या करेंगे, डेट करेंगे, डेट के बाद हम क्या करेंगे, शादी करेंगे, है ना भाई, सिंपल, बड़े पहले एग्जाम्पल बताया था मैंने, है ना भाई, शादी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा भाई भाई कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या है यहाँ पे, जल्दी बताइए कंक्लूजन क्या है, शादी, बहुत बढ़िया। अगर तो तेरे को मैं स्ट्रेंथिंग द आर्गुमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ तो बेटा शादी की बजानी है तेरे को, सॉरी स्ट्रेंथिंग बोल रहा हूँ तो शादी ही हमारी पक्की करनी है, अगर वीकनिंग बोल रहा हूँ तो शादी ही बर्बाद करनी है, समझ गया, अंडरस्टूड, चलो शादी बर्बाद करते हैं। आई लाइक कौन थी लड़कियाँ, एक दो नाम बताओ भाई, आई लाइक, लाइक नाम बताओ भाई कौन है, दिया, दिया, आई लाइक दिया, क्या इससे मेरी शादी बर्बाद हो रही है, हाँ या ना, हाँ भाई, क्या मेरी और शुभ की शादी बर्बाद हो रही है, यस यस यस, नो, हमेशा कंक्लूजन की बजानी, अरे आई कैन लाइक, आई तो लाइक डॉग्स एज वेल यार, आई मीन नॉट कंपेयरिंग कौन थी लड़की हमारी, नॉट कंपेयरिंग दिया विद डॉग, बट यार लाइक तो मैं बहुत लोगों को कर सकता हूँ, मेरी फ्रेंड, अरे दिया मेरी बहन है भाई, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, लाइक ही तो किया है अनुज, बहुत बढ़िया, अंडरस्टूड, नेक्स्ट वन, हाँ भाई नेक्स्ट वन, एनी मोर, वन मोर गर्ल भाई, हाँ एनी मोर, वन मोर गर्ल आई नीड, ओके क्या नाम है, निशिता, आई लव निशिता, क्या मेरी और शुभ की शादी बर्बाद हो सकती है निशिता को प्यार करने से, हाँ या ना, ना मैं लव तो, अरे निशिता मेरा बच्चा है यार, मेरी कुड़ी है निशिता, लव तो मैं कर सकता हूँ, बहन वाला प्यार भी हो सकता है, ओके थोड़ा सा लव तो चीटिंग तो है, बट हम कर रहे हैं क्रिटिकल रीजनिंग के रूल्स, आई एम ओनली गोना स्क्रू अप द शादी भाई, डेट पे आ जाओ, हाँ भाई एक दो लड़कियाँ और चाहिए हमें, एनी वन एल्स, हाँ भाई श्रेया, सुमित इज डेटिंग श्रेया एज वेल, और कौन है, हर्षिता एज वेल, प्रशंसा एज वेल, हाँ भैया अब शादी बर्बाद होगी, ये सुनो अब शादी बर्बाद होगी, मुस्कान एज वेल, थैंक यू मुस्कान, ठीक है भाई अब शादी पक्का बर्बाद है। तो इसमें सबसे ज़्यादा वीकेंड कौन करेगा, डेटिंग,
लर्निंग फॉर द टुडे शादी की बजानी है, कंक्लूजन की जो नियरेस्ट चीज है उसकी बजानी है, बाकी इधर उधर बजाओगे तो तू प्रमाइस की बजा रहा है। टेक्निकलिटीज से हम लोग फन कर इस कॉल प्रमाइस 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 कंक्लूजन की बजानी। ऑल गुड, यस नो, अंडरस्टूड एवरी वन, अंडरस्टूड एवरी वन, ठीक है, बहुत बढ़िया। बजाने में तुले हो, थोड़ी शादी करवा भी दो मेरी और शुभ के साथ, शादी करवा भी दो भाई, शादी करवा तो दो, कुछ अच्छा बोल दो। हाँ भैया, हमने लॉन्ग टर्म डेट किया, अच्छा डेट किया, मेरा और शुभ का प्यार बड़ा, शुभ दीदी का बहुत ही प्यार बहुत ज़्यादा है, डज इट हेल्प माई शादी? हाँ भाई, पापा मान गए हैं, वेरी गुड। और क्या क्या एग्जाम्पल है बताओ, और बताओ, पापा मान गए हैं, हनीमून, अबे तू हनीमून आउट ऑफ कंटेक्स्ट, अबे शादी तो होने थे पहले, ठीक है, और बताइए। डेटिंग हर, कुंडली मिल गई है, डेट फिक्स्ड हो गई है, फैमिली अच्छी है, मम्मी ने हाँ बोल दिया है, और बताइए। वेडिंग हॉल बुक कर लिया है, प्रेग्नेंट, अभी शुभ लड़का है भाई, चलो हाँ ठीक है। अरे बेटा तुम शादी के बाद कहाँ जा रहे हो अभी, तुम हार्दिक पांडे क्यों बना रहे हो मेरे को भाई, हार्दिक पांडे था ना वो, ठीक है, एनी विच वेज, तो वो शादी के बाद की चीज़ें हैं, ठीक है, लीव ऑल दीज थिंग्स, ओके, कम एंड कम एंड कम बैक कम बैक कम बैक। अब मैं आपको एक अलग एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे शादी पक्की करनी है, ध्यान से बात सुनना, गौरव बेटा बैन हो जाओगे यार। जब जब दुनिया में किसी ने लाइक किया है, जब जब दुनिया में किसी ने लाइक किया, उसके बाद लव किया, उसके बाद डेट किया है, उसकी शादी पक्की हुई है। क्या हमारी शादी पक्की होगी, हाँ या ना? फिर भी नो बोल रहे हो, बड़े नेगेटिव इंसान हो यार तुम, बड़े तुम शुभ यार हमारी अरे जब जब शिवजी भगवान के टाइम से, भगवान कृष्ण के टाइम से, जब जब, अब तो शादी होगी, मैं बोल रहा हूँ ना, भगवान है हम आज, ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग में ऑथर भगवान है, उसकी चुप करके बात सुनने का, ऑल गुड, अंडरस्टूड दैट, यस और नो, अंडरस्टूड दैट, वर्बल गॉड फॉर रीजन, नहीं नहीं मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ बस, समझा समझा? तो जब अगर कोई यूनिवर्सल स्टेटमेंट दी जाती है जो कि यूनिवर्स के अंदर पक्का ट्रू है, तो वो मेरी शादी 100% पक्की करवा देगा, अंडरस्टूड एवरी वन, अंडरस्टूड, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आउट ऑफ कंटेक्स्ट समझ गया, स्कोप समझ गया, शादी की बात हो रही है, इधर उधर की बातें नहीं हो रही हैं, ठीक है भाई, सिंपल, अपना दिमाग नहीं लगाना, इधर से शुरू करना है, हमेशा कंक्लूजन की मारनी है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ठीक है। ये हमने बहुत प्यारे तरीके से कैट लेवल का, जीमैट लेवल का पढ़ लिया, स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट और वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अजम्पशन क्या होता है, अजम्पशन क्या होता है, अजम्पशन होता है अनस्टेटेड, मैंने आपको बता दिया, कोई ऐसी बात जो लिखी नहीं हुई, हाँ भाई, कोई ऐसी बात जो लिखी नहीं उसको बोलते हैं अनस्टेटेड। अच्छा, बाय द वे, अजम्पशन, एम आई यूजिंग दिस एग्जाम्पल टू फ्लर्ट विद द गर्ल्स ऑफ कैट किंग, यस और नो, यस और नो, एम आई यूजिंग दिस, यस और नो, नो 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 नो, अरे नो, भावनाएं समझो, आर यू गाइस विद मी, अंडरस्टूड दैट, सिंपल ब्यूटिफुल। तो इन्फ्रेंस, ये इसलिए एग्जाम्पल, इसका इन्फ्रेंस क्या है, वाई द टीचर इज यूजिंग सच एन एग्जाम्पल, सो दैट आई कैन इन्वॉल्व यू बेटर, आई कैन मेक इट फनी एंड यू रिमेंबर दिस फॉर लाइफ। चलिए आगे बढ़ते, बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स अटैक थ्री काइंड ऑफ अजम्पशंस टुडे, लेट्स अटैक थ्री काइंड ऑफ अजम्पशन, बड़ा मजा आएगा। हाँ भाई, सब सब एक्सप्लेन होगा भाई, पढ़ते जाओ वरद। हाँ भैया, अभी क्या हो रहा है, तीन टाइप ऑफ अजम्पशन है, अपना दिमाग नहीं लगाना पर मेरे तरीके से दवाएँ लगाना, तो ऐसे ही समझने का, ठीक है, बस पाँच मिनट और है, सुनते जाइए। पहला एग्जांपल, तीन तरह की अजम्पशन होती है, दिमाग सिर्फ इसी लेवल पे चलाना है, इसके बाद तीन के बाद दिमाग नहीं लगाना, कोई भी ब्लडी वर्ल्ड का एग्जाम है वो आप फाड़ के आओगे। पहला एग्जाम्पल मेरा फेवरेट है, जिन लोगों ने पहले क्लास रन की होगी उसको पता होगा, ये आज फाउंडेशन क्लास है, बस समझना है, फिर अपन जीमैट लेवल तक। Therefore, it's my green suit. What that makes people like me? Yes or no? Yes or no? Yes or no? No, 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 no. Yes, 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 yes. No, 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 no. Yes, 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 yes. No, 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 no. Yes, yes. Could be some other causes hidden. Understand this. There could be some other causes which are hidden. Which, they could be my Apple Watch. It could be the way I am teaching right now. It could be my Shure microphone. It could be the motivation which you get. It could be my thoda bahut 4-15 baal jo hain. It could be my background right now. Buddha ki photo as well. Understood that? Are you guys with me? हमेशा और causes देखने का, कोई भी paper setter आपको argument दे रहा है, उस argument में premise है तो कुछ भी है, तो उस premise का conclusion दिया हुआ है, तो थोड़ा दिमाग लगा के ये देख लेना कि भाई ये क्यों, और कुछ reason तो नहीं है यहाँ पे। Cool? Understood everyone? Sir, every time लिखा था, कोई गल नहीं, जो जैसा दिखता है वो वैसा नहीं है, rule number one का brand recall दोबारा हो रहा है, ठीक है सतीश, very good, next question, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ मेरा फेवरेट है यार, ये मेरा फेवरेट है, चलो भाई करते हैं। हाँ भाई, आई नीड थ्री मंकीज वॉलंटियर्स, आई नीड थ्री मंकीज, एनीबडी वॉलंटियर? हाँ भाई, फटाफट नाम बताइए अपना,
कौन कौन वॉलंटियर है यहाँ पे? अखीना बहुत बढ़िया, और बताइए पंकज बहुत बढ़िया, और कृपी, कृपी बहुत बड़ी, कृपी ये क्या नाम है, कृपी, और एंड मेधा बहुत बढ़िया। चार वॉलंटियर है मेरे पास, ठीक है। मेरा फेवरेट एग्जांपल, बड़ा मज़ा आता है पढ़ाने में, बड़ी स्क्रीन करके पढ़ाता हूँ मैं एक लिपस्टिक का वो हूँ मैनुफैक्चरर, कोई बड़ा ब्रांड बताओ लिपस्टिक का भाई। हाँ शशांक हो गया अगले, लिपस्टिक वाला एग्जाम्पल याद आ रहा है, मैं लिपस्टिक का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, ठीक है, और ब्रांड एम्बेसडर नहीं मैं साइंटिस्ट हूँ भाई, लिपस्टिक बना रहे हैं पर नहीं, ठीक है। और बड़ा ब्रांड कौन सा, लैक में, अरे गरीबो बड़ा कुछ बताओ यार, शुगर LE18 आए हाय हाय हाय, कायली वेरी गुड, मैक, हुडा, ये अमीर लोग आए यहाँ पे, बहुत बढ़िया। लड़कों को पता है सारे ब्रांड, वेरी गुड। लुई विटॉन, लुई विटॉन का बैग आता है, लिपस्टिक भी आती है क्या? चलो ठीक है वापस आओ। तो मैं साइंटिस्ट हूँ, मैंने चार मंकी पकड़े, अखीमा, पंकज, कृपी, मुझे नई लिपस्टिक लॉन्च करनी है, मैंने इनको पकड़ा और लिपस्टिक लगा दी यहाँ पे, लिपस्टिक लगा के चला गया मैं। और मैं आया 6 महीने बाद, देख रहा हूँ भाई मंकी सारे घूम रहे हैं इधर उधर, मंकी इधर इधर घूम रहे हैं, अखीमा घूम रही है, मेधा घूम रही है, पंकज घूम रहा है, कृपी घूम रही है। मैं इनके पास आया, मैंने लिपस्टिक चेक किया, मैंने लिप्स चेक किया अंकी, यार अखीमा के लिप्स तो और भी रेड हो गए हैं, एकदम फ्लपी हो गए, प्लम्प लिप्स हो गए हैं, वो गोरी भी हो गई है, और पंकज तो भाई सुंदर हो गया, पंकज का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, और कृपी के बाल जा रहे थे, उसके बाल भी आने शुरू हो गए हैं, और मेधा तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया, उसकी नौकरी लग गई मंकी के मारे। यू कैन एक्सपेक्ट सिमिलर इफेक्ट्स ऑन ह्यूमंस, येस और नो, येस और नो, कई लोग येस बोल रहे, कई लोग नो बोल रहे, ओके। मंकीज कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद ह्यूमन बींग्स, नो बेबी, नॉट एट ऑल, वो मंकी है साला। सर असली लाइफ में तो ऐसे ही होता है, देखो गॉड कौन है बच्चों, गॉड हूँ मैं हूँ आर्ग्यूमेंट बताने वाला पेपर सेटर, आयुगा जुदनी गॉड है ऑथर, तो ऑथर जो बोल रहा है उसकी बात उतनी ही सुननी है। रूल नंबर टू, कॉजल अजम्पशन हमने किया, इसको बोलते हैं एनालॉजी अजम्पशन। नेक्स्ट वन, यार अखीमा, पंकज, कृपा, मेधा को लिया, इनकी लिपस्टिक लगाई, अगले 6 महीने बाद नई लिपस्टिक लेके आया, ओ भाई अखीमा के तो लिप्स रेड क्या वाइट हो गए, हाँ मंकी के लिप्स टाइप इसके वाइट हो गए, और पंकज भैया के तो उड़ी गए लिप्स, खाली हो गए, यहाँ पे होल हो गया, और कृपी के तो बाल भी चले गए, और मेधा का कॉन्फिडेंस बहुत ही कम हो गया, और उसको जो जॉब मिली थी उसका जॉब लॉस भी हो गया, और एक और बबलू था XYZ पर्सन, उसको तो ट्यूबरक्लोसिस हो गया, और एक और XYZ पर्सन था, गंदे गंदे एग्जाम्पल हैं, उसको तो भाई एड्स हो गया लिपस्टिक लगा के, ठीक है, ऐसे कुछ किया भी नहीं उसने, फिर भी लिपस्टिक इज कुड बी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स एज वेल, येस और नो, हाँ भाई येस नो, येस नो, ये क्या, इट्स 11 मंकीज कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद ह्यूमन बींग्स, हाउ, अरे वाह, जब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया था, नौकरी लग गई थी, तो तूने बोला नहीं नहीं यूज करना, अब वो मर गया तो तू बोला नहीं नहीं मैं भी, अरे भाई मंकीज कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद ह्यूमन, आर यू गाइस विद द बॉयज एंड गर्ल्स, सर वो मंकी है, गुंजन बोल रही, वेरी गुड, अंडरस्टूड, याद रहेगा जिंदगी भर, इसको हम बोलते हैं दूसरा टाइप कॉल्ड एज एनालॉजी अजम्पशन, याद रहेगा, फिर इसी डायरेक्शन में जाना है, चमका, वेरी गुड, अब होशियार हो तुम, एंजॉइंग टू मच, गुड, मजे करा लो तुम्हारे। चलो भाई नंबर 3, ओ मेरा फेवरेट एग्जांपल है, ये मेरा फेवरेट एग्जांपल है, इसको अपन चेंज करते हैं एग्जांपल को, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। यार 9 out of, ध्यान से देना मेरा प्यार कर बरकरार रहना चाहिए, 9 out of 10 स्टूडेंट्स रिकमेंड कैट के, यू शुड ज्वाइन कैट के, यस और नो, 9 out of 10 स्टूडेंट्स रिकमेंड कैट किंग, यू शुड ज्वाइन कैट किंग, येस नो, येस नो, येस नो, पोल करें यार, 9 out of 10 लोग बोल रहे हैं यार तू ऐसा बोलेगा भाई, ऐसा बोलेगा, यही प्यार है क्या हमारा, बताओ, ठीक है येस नो, चलो ठीक है, इमोशंस छोड़ के आंसर करो, हम क्रिटिकल रीजनिंग समझ रहे हैं। 9 out of 10 स्टूडेंट्स रिकमेंड कैट किंग, पोल चल रहा है, फटाफट आंसर करिए, यू शुड ज्वाइन कैट किंग, येस और नो, 9 out of 10 स्टूडेंट्स, येस नो, येस नो, येस नो, येस, 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 68% लोगों ने येस बोला है, 75% लोगों ने येस बोला है, और 25%, बहुत बढ़िया, एंडिंग द पोल, और पोल के रिजल्ट शेयर हो रहे हैं, ठीक है, बट 77% लोगों ने येस बोला, थैंक यू फॉर सो मच ऑफ लव, अरे नहीं मैं तुम्हें बेवकूफ बना रहा हूँ मेरी जान, ये 9 out of 10, अरे मैंने 10 लोगों से पूछा था और मैंने बोल दिया 9 out of 10 स्टूडेंट्स रिकमेंड किया, तूने बोला वाह 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 ज्वाइन कर ले, अरे भाई स्ट्रेटेजिकल अजम्पशन, नंबर्स तो देख ले मेरी जान, 9 out of 10 बेवकूफ क्यों बन रहा है मेरी जान। टीवी में ऐड आती है 9 में से 10 डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित सेंसोडाइन टूथपेस्ट, अरे बेवकूफ बना रहे तुम्हें भाई, बेवकूफ बना रहे तुम्हें, आर यू गाइस, इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल अजम्पशन। अच्छा बाय द वे, कहानी में ट्विस्ट लाता हूँ उसके पहले, और भाई 10 लोग पता है कौन थे, वो नर्सरी के बच्चे थे, सॉरी थर्ड स्टैंडर्ड के, मेरा नेफ्यू है वो 3री 4थी क्लास में, उसके बच्चों को बोलो मैं चॉकलेट दी, ए भाई चॉकलेट बोल कैट किंग जिंदा, उसमें बोले कैट किंग जिंदा, उसमें बोले कैट किंग, उसमें 10वां साला चॉकलेट है कि भाग गया, नहीं तो 10 में से 10 हो जाते हैं। आर यू गाइस विद मी, आर यू गाइस विद मी, अंडरस्टूड, येस और नो, येस और नो, कहानी में ट्विस्ट।
9 out of every 10 students recommend Cat King. You should join Cat King. I repeat, 9 of the every 10 students recommend Cat King. You should join Cat King. Yes or no? Poll करिए. Poll करिए. Yes or no? ये नो वाले कौन है? ये मेरे पक्के दुश्मन. मोर कौन है तुम? इतना अच्छा पढ़ा दो मैं तुम्हें, ऐसे करोगे? ओके द आंसर इज, अरे यस यार, ऐसा तो मत कर यार. 9 आउट ऑफ एवरी 10 इज 90%. आर यू गाइस विद मी? 9 आउट ऑफ एवरी 10 इज 90%. समझा के नहीं? यस और नो? अंडरस्टूड दैट? इसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल अजम्पशन. और भाई एवरी 10, हाँ भाई एवरी मतलब मेक्सिको में बच्चे नर्सरी में पढ़ रहे थे, मैंने पूछा हाँ. इंडिया में हर आई एम के अंदर 9 में से 10 बच्चे, सबने बोला हाँ. समझा? पाकिस्तान के लॉन्डन ने बोला, वो जो मेडिकल पढ़ रहे थे उसने बोला हाँ. समझ आ रही है? एवरी मतलब 90% थ्रू आउट. अंडरस्टूड दैट एवरी वन? अंडरस्टूड? ठीक है भाई, चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. 5 out of 4 डॉक्टर्स एग्री द पेन रिलीवर सिनेटॉल इज द मोस्ट इफेक्टिव एनाल्गेसिक ऑन द मार्केट टुडे. यू शुड ट्राई सिनेटॉल. यस और नो? नो. अभी हैरान हो गया. मेरी जान, मेरी जान. All right, thank you so much for joining in, boys and girls. Hope you guys enjoyed the introductory class to critical reading. We're going to have a lot of fun right now. God for a reason. Arre koi God word nahi yaar, main bas dil se. Abhi to maza aana shuru hoga bhai. Hope you guys enjoyed. Yes or no? Super class, maza aa gaya sir. Yaar ye hui na baat. Thank you, verbal God. Arre koi God word nahi ho. Ha bhai, suno meri baat. Homework. Go and hit this beautiful thing called critical reasoning. Main aapko homework de raha hu. Jin logo ko cat phadna hai, Go to the revision video lectures. उसके अंदर verbal ability के अंदर जाइए और verbal ability के अंदर जाके आपको मिलेगा critical reasoning की classes. उसके अंदर concept builder के अंदर मैंने critical reasoning सारा record करके रखा हुआ है. ये अपना weekend affair कर लेना जाके. your great auditor. Thank you so much. यहाँ पर जाके rules पढ़े हुए हैं, warm up questions पढ़े हुए हैं, types जो जो आती हैं सारे के सारे पढ़े हुए हैं. इसको जाके cut solve करना शुरू करेंगे. And most of these questions I'll do it in the class as well. Every 15 days में हम एक बार मिलेंगे. critical reasoning पढ़ते जाइए. It's going to be good. So it's helpful for GMAT, of course. Amazing class sir, बहुत बढ़िया. ठीक है, done. Thank you so much for joining in. God bless you guys. Keep killing. Love you all. I am Bombay भी आ चुका है और पढ़ाई करते जाइए. And I'm going to be there with you till then. God bless you guys. Take care. Bye bye. YouTube live. कोशिश करेंगे यार, कोशिश करेंगे. Thank you so much. Have a good night. Bye bye. Thank you. All right, boys and girls. Hope you guys enjoyed this session. If yes, do it on the like button for sure. मुझे comment करके बताइएगा how the session today. Hope you guys enjoyed. और मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा एंड तक. जिन लोगों ने अभी तक Cat King का verbal ability course नहीं देखा, अगर आप join करना चाहते हो, आप verbal ability course join कर सकते हो. Many people from Cat King family have joined us. Lot of people from NITs, IITs, they also come to us and join this course as well. इसका देख लीजिए, prices have been dropped right now. मैं आपको पढ़ाऊंगा हर मंडे और वेंसडे, और ऐसी तरह की पावर पैक क्लासेस रहती हैं. आप लोग उनको चेक करिए और ज्वाइन कर सकते हैं. DLR का भी कोर्स लॉन्च हो चुका है, वर्बल का भी कोर्स लॉन्च हो चुका है. इट्स 799. प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं ऊपर नीचे, आप लोग वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं. इसके अंदर लाइव वर्कशॉप रहेंगी, इसके अंदर मॉक टेस्ट भी हम लोग दे रहे हैं. 10 सेक्शन टेस्ट भी आपको मिलेंगे, 2000 प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, वर्बलबिलिटी के सेक्शन टेस्ट मिलेंगे, मॉक एनालिसिस डैशबोर्ड. ऑल्सो यू गेट एन एडेड एडवांटेज. पीपल हु जॉइंड अस, वी गोना गिव यू ई बुक्स एज वेल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड ऑल दीज लेक्चर्स ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्नैप एंड मैट. और क्रिटिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग के कबाट खुलते हैं. थैंक यू सो मच जॉइनिंग इन. गॉड ब्लेस यू गाइस. टेक केयर. बाय बाय. थैंक यू. वीडियो को लाइक पकड़ोगेगा, नीचे कमेंट करिए. आई विल बी आंसरिंग टू यू इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू. बाय बाय. थैंक यू.